हाँ, तो काउबॉय वर्सेस पेटिस। काउबॉय कितना ज़्यादा अनलकी है, क्योंकि इस फाइट में काउबॉय ने हर चीज़ किया जो पिछले वाले फाइट में नहीं किया था। क्योंकि वो पिछले वाली फाइट भले वो लाइट वेट में थी, पेटिस के साथ 7 साल पहले थी, दे बोथ वेयर डिफरेंट फाइटर्स, आई डोंट नो, मतलब ये बात आप कह सकते हैं, ये बात पे आप बेट लगा सकते हैं, लेकिन तब भी बात करते हैं, काउबॉय माना जाता है, जाना जाता है अपने स्लो स्टार्टिंग स्टार्ट की वजह से। ही डजेंट डू दैट, बहुत ज़्यादा एग्रेसर था मैच में, आप कह सकते हैं कि तीनों राउंड में सब ज़्यादा एग्रेसर था पेटिस से। टेक डाउन, पेटिस ने एक भी टेक डाउन नहीं दिया, क्योंकि वो ही इज़ नॉट इन टू टेक डाउन, सबको पता है। लेकिन काउबॉय ने फर्स्ट राउंड में टेक डाउन दिया, सेकेंड राउंड में ऑलमोस्ट टेक डाउन, लेकिन तब भी मान लीजिए टेक डाउन फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट राउंड तो उसको जीतना चाहिए, लेकिन स्कोर कार्ड में ऐसा कैसे हो गया कि मतलब पेटिस तीनों राउंड जीत गया। हमको तो ऐसा लगता है कि 2 राउंड काउबॉय जीता और तीसरा राउंड आपको, सेकंड राउंड पेटिस जीता, फर्स्ट राउंड और थर्ड राउंड काउबॉय जीता, लेकिन तब भी जो हो गया सो हो गया, काउबॉय वॉज लाइक। और पेटिस स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में ऐसा कहा गया कि मतलब पेटिस ने कहा रिजल्ट अनाउंस करने होने के बाद कि मेरे मतलब पेटिस भी ये भी सोच रहा था कि काउबॉय ही जीता है, और पेटिस ने बोला कि आई डोंट नो जजेस के बारे में, मतलब उसके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन तब भी काउबॉय ने हर चीज़ सही किया जो पहले में नहीं किया था। और आप ये भी मत भूलिए कि वो आ रहा है, मतलब उसकी जो लास्ट फाइट थी वो बिगेस्ट फाइट ऑफ द लाइफ थी उसके लिए, और वो हार गया, और इट्स लाइक रिग्रेट होगा उसके दिमाग में। तो इस वजह से वो हर चीज़ उसने किया जो उसने कॉर्नर मैकग्रेगर वाले फाइट में नहीं किया। लेकिन पेटिस की तरफ से आप देखिएगा तो पेटिस जो लैंड कर रहा था शॉट्स पेटिस जो लैंड कर रहा था शॉट, वो सब मतलब सब फ्लश शॉट लैंड कर रहा था, जो वो थ्रो कर रहा था वो लैंड कर रहा था। और हमको ये भी लग रहा है कि पेटिस ने एक तरीके से अपना माइंड सेटअप जो है वो चेंज किया है, मतलब पेटिस बोल रहा है कि अब अभी वो उसको इस्टेब्लिश होना होगा वेल्टर वेट में, लाइट वेट में चैंपियन रह चुका है वो, बात अलग है, 5 साल पहले की बात है, लेकिन वेल्टर वेट में मतलब कोई वो लूज भी करेगा, कुछ गेन मोमेंटम टाइप से, मतलब वो अपने अपने कह सकते हैं कि करियर को एक तरीके से रिजुविनेट करना चाह रहा है, और मतलब रिफ्रेश करना चाह रहा है, और मतलब वो चैलेंज लेने के लिए तैयार है, वो हारने से नहीं डर रहा है। लेकिन ये बात था और ये वीडियो था काउबॉय कैसे हार गया, और हमको भी नहीं पता कैसे हार गया, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि वो मतलब रिटायरमेंट और पेटिस और दैट्स नॉट गोना हैपन, काउबॉय वॉज ग्रेट टुनाइट।